ऑन स्क्रीन सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन सूट कौन सा है? वेल, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमें तीनों ही स्पाइडरमैन की मूवीज में एक से बढ़कर एक सूट देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं कितने सालों के इस जर्नी में हमें स्पाइडरमैन के सूट में कैसे कैसे डिजाइन और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। वेल, शुरुआत करते हैं 2002 और 2004 वाले ओरिजिनल टोबी सूट से। और अगर हम टोबी की तीनों मूवीज को उठाकर देखें तो हमें उसके स्पाइडरमैन सूट में हल्के से चेंजेस देखने को मिलते हैं। हमने कुछ लाइट कलर्स के साथ स्टार्ट किया था और जैसे जैसे मूवीज आगे बढ़ती गई इसका कलर भी ब्राइट होता गया। लेकिन इन तीनों ही सूट्स में नोटिस करने वाली जो चीज थी वो थी इसकी 3D स्टिचिंग, लाइक कैसे उसके सूट में स्पाइडर और वेबिंग को हाईलाइट किया गया था। और आज के टाइम पे भी मैं किसी फैन को नहीं जानता जो इस सूट के बारे में कुछ बुरा कह सके। I mean, इस सबका फेवरेट है। एंड अगर आपने नो वे होम में भी इसे नोटिस किया हो तो आप टोबी के फेस मास्क पर छोटा सा डिजाइन चेंज देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेबिंग की टाइटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। और अगला आता है हमारा फर्स्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला सूट। और यहाँ डिजाइनर्स कुछ अलग करना चाहते थे और इसी वजह से कई फैंस को ये सूट बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन कुछ फैंस को ये काफी पसंद आया। और यहाँ पसंद ना आने का रीजन है कि ये उन्हें सबसे ज्यादा क्रीपी लगा। लाइक अगर कोई इस सूट को पहनकर किसी स्ट्रीट कॉर्नर या डार्क प्लेस पर आपको स्टॉक कर रहा हो तो ये डेफिनेटली आपको डरा सकता है। ओरिजिनली फैंस इस सूट का बास्केटबॉल सूट कहकर भी मजाक बनाते थे, क्योंकि इसका टेक्सचर एक बास्केटबॉल की तरह था, लेकिन मुझे ये पसंद आया। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में सूट ने अपना परफेक्शन अचीव किया। हमें एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला जहाँ डिजाइन को कॉमिक एक्यूरेट बनाया गया। हमें वो बड़ी बड़ी व्हाइट आईज देखने को मिली और फैंस को भी ये चेंज पसंद आया। एंड जब टॉम को अपना पहला स्टार्क सूट मिला तो डिजाइनर्स उसे यहाँ एक अलग फिनिश देना चाहते थे। उन्होंने इस सूट की वेबिंग को हल्का कर दिया, उसे और ज्यादा फ्लैट कर दिया और सूट को कम्प्लीटली स्मूथ टच देकर शाइनी और स्लिपरी बना दिया। एंड टॉम के स्पाइडरमैन सूट की प्रोग्रेस एक्चुअली काफी क्रेजी है। और मैं टॉम के इस ओरिजिनल स्वेटर वाले सूट का भी बड़ा फैन हूँ और ये नाइट मंकी स्नीकी सूट भी मुझे काफी पसंद है। एंड टॉम के इनसाइड आउट एंड इंटीग्रेटेड सूट भी काफी बढ़िया थे। एंड आई नो यहाँ आयरन स्पाइडर सूट के भी काफी फैंस हैं, बट एक्चुअली ये डायरेक्टली कॉमिक डिजाइन नहीं है, ये कॉमिक से इंस्पायर होकर बनाया गया है। बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे कॉमिक्स वाला ये रेड एंड येलो वाला डिजाइन ज्यादा पसंद है। बट फार फ्रॉम होम से ब्लैक एंड रेड सूट एंड नो वे होम से ये क्लासिक सूट टॉम स्पाइडरमैन के ट्रेडमार्क डिजाइन्स थे। एंड फार फ्रॉम होम में इस ब्लैक एंड रेड स्पाइडरमैन सूट को टॉम स्पाइडरमैन ने खुद डिजाइन किया था, जो कि डायरेक्टली द अमेजिंग फैंटेसी नंबर 15 के कवर में स्पाइडरमैन के अपीयरेंस को ट्रिब्यूट देता है। भले ही सूट का ओरिजिनल डिजाइन रेड एंड ब्लू माना जाता था, लेकिन यहाँ इसे ब्लैक एंड रेड डिजाइन दिया गया और इसीलिए उन्होंने मूवी के लिए भी इसी कलर कॉम्बिनेशन को चूज किया। और फैंस के लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था जब हमें फाइनली स्पाइडरमैन का क्लासिक सूट देखने को मिला, बिकॉज आई नो हमने इस मोमेंट के लिए बहुत वेट किया है। हम जानता हूँ कि हमें इसके ज्यादातर CGI शॉर्ट्स और आर्टिस्ट वर्जन वाले पार्ट देखने को मिले हैं, जहाँ हमने अभी टॉम को इसे पहनकर चलते हुए नहीं देखा है, यहाँ तक कि स्टंट डबल्स को भी नहीं। बट हम उस दिन के भी बहुत क्लोज हैं जब हम एक्चुअली सूट को अपनी आंखों से ऑन स्क्रीन एक बॉडी के ऊपर बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के देखेंगे और ये शायद ऑन स्क्रीन स्पाइडरमैन का सबसे बेस्ट सूट होने वाला है। वैसे गाइस, आपका फेवरेट स्पाइडरमैन सूट कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।